कर लूँ मदद, दावत करा दो। जी जी करा। तो आज का जो सेशन है उसका बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज हम करेंगे तिलावत कलाम पाक से। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं इनवाइट करूंगा अकबर भाई को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक। जी जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان الله टॉपिक क्या है आज के जो ट्रेनिंग के किसी को पता है? न्यू प्रोस्पेक्ट। पता ही नहीं टॉपिक क्या है? भाई मैं नहीं दे रहा ट्रेनिंग, सही भाई दे रहे हैं। हाउ टू व्हाई वी आर नॉट सक्सेस इन डिक्शन बिजनेस बिजनेस कि हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा उर्दू बता दें, कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और अंजन भाई के लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए ना, बता दो। तो आज हम देखेंगे कि हमारे जो ट्रेनर है बहुत प्यारे ट्रेनर है। मैं अक्सर जब किसी से बात करता हूँ, मुझे जब समझ में नहीं आता कि यार इसको मैं क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करूँ, तो मेरे जहन में सबसे पहले सईद साहब आते हैं और मैं इन्हीं को फोन करता हूँ और इन्हीं से पूछता हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, इसको कौन से फूड सप्लीमेंट जो है वो मैं सजेस्ट करूँ। तो मेरा ख्याल शायद मैं इन्हीं को पहले कॉल करता हूँ, उसके बाद फिर दूसरों को कॉल करता हूँ। लेकिन ये मुझे बता देते हैं कि ये फूड सप्लीमेंट जो है ये आपने जो है इनको रिकमेंड कर दी है। बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, शुरू से हमारे साथ है, बहुत अच्छा टीम वर्क करते हैं, टीम को साथ लेके चलते हैं, बहुत प्यारा गाइड करते हैं और सबके लिए इक्वल सोचते हैं और बहुत पॉजिटिव है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं ये एक्सेल पाकिस्तान में उन्होंने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एज ESD जो है वो DXN में काम कर रहे हैं, राइजिंग SSD भी कह सकते हैं हम, कमिंग सून ना, तो SSD भी कमिंग सून इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ, लेकिन क्लैपिंग ऐसी होनी चाहिए शरा फैसल वैसे भी जैम है, थोड़ा और जैम हो जाए, ट्रैफिक रुक जाए, तो इतनी क्लैपिंग होनी चाहिए। तो आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में सही सदीक साहब। छोटा सा तारुफ जो लोग नए हैं, मोहम्मद सईद सिद्दीकी नाम है और DXN में एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड हूँ और ये मेरा टॉपिक है व्हाई वी आर वी नॉट सक्सेसफुल। मॉसिस क्या कहेंगे हम इसको ट्रांसलेट करें तो, हम क्यों नहीं कामयाब है? तो फर्स्ट टाइम क्योंकि लोग मुझे यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट के हिसाब से जानते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में कोई आगाही देंगे, प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देंगे। आज ये मैंने फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को सिलेक्ट किया और कोशिश करेंगे कि हम इसको लेके चले। लेकिन उससे पहले मैं इसको आगे चलूं, मैं इसी टॉपिक के हिसाब से बताऊं कि देखिए कामयाब ना होने की हमारी बहुत सी वजूहात है, उनमें सबसे बड़ी वजह जो है हम किसी भी में हो, DXN हो या कोई भी जगह हो, हम उसके बारे में हमें उसके बारे में हम कोई मालूमात देते नहीं है कि काम कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ये चीज हमें आगाही होती नहीं है। और जो सबसे बड़ी एक वजह होती है वो ये होती है कि हमने कुछ ऐसी आदतें हमारे पास हैं कि हमें वो कुछ अंदाजा नहीं होता कि वो हमारे पास, हमें उन आदतों को छोड़ना है। जब हम वो छोड़ेंगे
तो हम यकीनन हम कामयाबी की तरफ भी जाएंगे और लोग हमसे प्यार भी करेंगे। तो जी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली चीज आपको बताऊं कि मैंने इस चीज के लिए जो एक लफ्ज मुंतखब किया है वो किया है सी। पांच सी ऐसे हैं कि जिनमें से हमें चार सी को अपनी जिंदगी से निकाल दें, चार सी, और आखिर में जो सी है उसे अपना लें। देखें वो क्या है जी। द फर्स्ट सी क्रिटिसाइज, जिंदगी में किसी के ऊपर तनकीद करना छोड़ दें। सबसे पहली चीज किसी के ऊपर भी आप तनकीद करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि लोगों को ठीक करना आपका काम नहीं, लोगों को ठीक करना मेरा काम नहीं है, ठीक है। अब उसकी मिसाल, तनकीद दो तरह की होती है, एक होती है तनकीद का तनकीद जिसका जिक्र ये है, और एक होती है तनकीद बराए इस्लाह। कि अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो ये अच्छा लग रहा है? नहीं ना। अब ये मेरी इस्लाह, अब आदम भाई कहें या सही भाई अगर कॉलर इसको जरा बंद कर दें और टाई की नॉट को आप ठीक कर लें, तो ये क्या हो गया, आदम भाई ने ये मेरी इस्लाह कर दी, ये मेरी बेहतरी के लिए कह दिया, तो ये दुरुस्त है। लेकिन एक चीज कि आपको अगर मेरी कोई चीज पसंद नहीं आ रही और आप बिला वजह हम किसी को हम कहते रहे कि भाई आप बदल लो, आप इस चीज को बदलो, इस चीज को करो, ये चीज आपकी अच्छी नहीं है, तो उससे क्या होता है कि लोग आपकी बात एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, उसके बाद क्या होगा, जब आप आएंगे कहेंगे आ गए भाई ये तल्दीन शाह आ गया, और वो आपसे कटना शुरू हो जाएंगे, कटने लगेंगे और क्या होगा कि आप सिर्फ अपना ही दिल जलाएंगे, ठीक है, आप अपने दिल जलाएंगे क्योंकि उसने सुनना नहीं है, और लोग को आप किसी सूरत जो मैंने कहा बदल नहीं सकते। और एक चीज सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी को भी कुछ कहते रहोगे उसने अपनी गलती अपनी उस चीज को मानना ही नहीं है, जब वो मानेगा नहीं तो फिर क्या होगा कि एक गैप उसके और आपके दरमियान आने लगेगा, और फिर क्या होगा कि लोग आपको बजाय पसंद करने से आपसे हटना शुरू कर देंगे, आपको देख के जिसे कहते हैं खिसकना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है और वो आपसे भागेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें और आप आगे कामयाब हो तो आप तनकीद करना छोड़ दें। दूसरी चीज आती है हमारे पास, सेकंड सी जो है हमारा, वो है डोंट क्राई, रोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी अपलाइन तो मेरा साथ ही नहीं देती है, मेरी अपलाइन तो बस उसे फोन करो वो दूसरे में लगी हुई है, मेरा ध्यान नहीं दे रही। क्यों? आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब आपका काम है कि आपसे पड़ता है कि आपके साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 80% ऐसे लोग हैं कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपके साल में, ठीक है, और मजीद 20% आपकी तकलीफ पे खुश होने वाले लोग हैं कि वो खुश होंगे यार छोड़ो। और दरहकीकत अगर आप देखें तो आप रो के इस तरह से बातें करके सिर्फ आप एक अपना इमेज खराब करते हो, ठीक है। और याद रखें कि दुनिया रोने वालों को पसंद नहीं करती, वो किसके साथ पसंद करती है कि जो उनकी प्रॉब्लम उनकी बात उनकी सुनता है उनके साथ चलता है और ये रोना धोना नहीं करता। तो आप ये देखें कि अगर हमें ये आदत है तो इस आदत को भी खत्म कर दे। तीसरा सी कंप्लेंट्स, शिकायत करना छोड़ दे। शिकायत किस चीज की शिकायत? जिंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं और जिंदगी है ही है मसाइल का एक बम्बा। अब इसमें जो कंप्लेंट्स आती है, जो हम कंप्लेंट्स करते हैं कि जी आर ड्रिप हो, इसने
मैं यहाँ के हवाले से अगर बात करूँ, मेरा बंदा इसने देखे, मैं लेकर आया, इसने उसको मिसगाइड कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो क्या होता है कि कंप्लेंट्स करने से अगर आपके पास सॉलिड कोई विटनेस ना हो तो वो बेकार हो जाती है, उससे भी आपका इमेज जाता है। फला सही काम नहीं कर रहा, ये उसकी गलती है, उसको छोड़ दो। आपका काम क्या है कि आप अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसको बिठाओ, उसको समझाओ, उसका सलूशन दो। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे हम सब टोटल यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आपका कोई सीनियर अपना किसी को साथ लेकर आता है तो अगर वो कंप्लेंट्स करता है तो बजाय इसके कि आप वो कंप्लेंट्स किसी रूम में लेकर जाएं, कंट्री मैनेजर के पास लेकर जाएं, ऑपरेशन मैनेजर के पास ले जाएं, उससे अच्छा है कि उसको बैठ के उसकी प्रॉब्लम्स को यानी कंप्लेंट्स को हल करने का जरिया बने। जब आप कंप्लेंट्स को किसी की भी हल करने का जरिया बनेंगे और आप उसकी कंप्लेंट्स रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका इमेज मजीद बढ़ेगा और जो आपके साथ है वो कहेगा कि नहीं मैं गलत था, ये दुरुस्त हो गया, अब ये मेरे लिए बेहतर। क्योंकि प्रॉब्लम आती है, हमारा काम आपका काम उन प्रॉब्लम्स को हल करने वाला बने। शिकायत करने वाले के बजाय दूसरों की शिकायत अगर हम हल करते, जो भी मैंने बात की, तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स ऑटो के ऊपर खत्म होने लगती हैं और हमारा काम और हमारे काम में एक इम्प्रूवमेंट और आसानियां पैदा होती है। फोर्थ सी, डोंट कंपेयर। किसी को अब करके ये कह लीजिए कि हर शख्स एक इंफ्रादी अपनी हैसियत रखता है, ये कह लीजिए कि हर शख्स एक यूनिक है, हर शख्स की अपनी एक खासियत है, उसकी आदतें हैं, तो आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें। मतलब ये समझ लीजिए और आसानी से कि यार आदम साहब का यार 3 लाख बोनस आ रहा है, यार ये मेरा नहीं आ रहा, मुझे भी इतना अरसा हो गया काम करते हुए, यार उन्होंने तो यार 2 गाड़ियां ले ली, फ्रेंड साहब ने तो यार 2 गाड़ियां ले ली, यार मैं तो अभी तक मैं बस में चल रहा हूँ, मैं तो अभी तक बाइक पे चल रहा हूँ। ये किस चीज की कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कि वो शख्स अगर मेहनत कर रहा है तो मेहनत कर रहा है ना, तो आप भी वो मेहनत करने वाले बने। अब एक इदारा कोई सा भी आप ले लें या कोई सी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ले लें, किसी की तनख्वाह 20,000 है, किसी की तनख्वाह 40,000 है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला लाखों भी ले रहा है, 2 लाख भी ले रहा है, 5 लाख भी ले रहा है, तो क्या हुआ, आगे कंपेयर करेंगे कि ये मेरी तनख्वाह 30,000 है तो वो 5 लाख ले रहा है, ऐसा क्यों? वो जो 5 लाख ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी एक वैल्यू है। आपको जो 20-25 हजार मिल रहा है वो आपकी वैल्यू के ऊपर आपको मिल रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे अपने आप को चेंज करो, अपने आप को ऊपर लेकर जाओ, यानी अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ एक हमारे एक बड़े मोटिवेटर हैं, उनके क्लिप्स देखते रहते हैं, उन्हीं की मैं एक चीज बताता हूँ कि आप देखें नॉर्मल इस वक्त एक कमीज सलवार या एक पैंट शर्ट नॉर्मल कितने की मिल जाती है, 3,000 3 या 4 हजार की मिल जाती है, नॉर्मल 3 से 4 हजार पैंट और शर्ट की बात की, ठीक हो गया। लेकिन यही अगर आप एक शर्ट आप जरा सा ब्रांड बदल लीजिए, आप चले जाइए वो गुलशन पे डॉलमेन चले जाए, या वो जो हमारे गुलशन के ऊपर जो एक बड़ा मॉल है अली लकी वन, वहां पे आपको 6 से 7 हजार की शर्ट मिल रही है, फर्क आया है? आप एक नॉर्मल कमीज सलवार लेते हो वो आपको 2.5 से 3 हजार का मिलता है, जेडॉट का ले लो वो आपको 8 से 10 हजार का मिल रहा है ना, ऐसा क्या हुआ?
वैल्यू बदली। तो आप जो शख्स जो आप जो कंपेयर वाले हम दूसरे से लग जाते हैं, तो अपने आप को हम अपने आप को देख के अपने आप को बदले, अपनी वैल्यू बनाए, हम अपनी वैल्यू को हम ये बहस करके अपनी वैल्यू को हम नीचे कर रहे हैं। जब हम अपनी वैल्यू नीचे करेंगे तो कहां से फिर हम उस जगह के ऊपर पहुंचेंगे। तो लिहाजा कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि और जरा ये इसको मजाक भी नहीं है। देखो मछली पानी में अच्छी लगती है ना, और जंगल में पानी खुश्की के ऊपर तो नहीं चल तोड़ सकती, ना शेर पानी में रह सकता है। तो लिहाजा कंपेयर करना भी छोड़ दें, क्योंकि उससे आप जो बनना चाहते हैं वो इस बहस से नहीं बन सकते। अब ये जो आखिरी जिसको आप अपना लें, ये क्या हो सकता है? इसे मैं आपको एक लतीफा की सुनाऊंगा, क्योंकि समझ जावेद साहब याद आए, और जावेद साहब वाला ही लतीफा सुनाऊंगा। इसको अपना लेकिन लिमिट में रहकर, ऐसा ना हो कि वो गले का हार बन जाए। जो अभी मैं आपको एक लतीफा सुनाऊंगा, देखिए कोई भी चीज हमें अगर किसी की अच्छी लगती है तो हमें उसका इजहार करना चाहिए कि हाँ जी आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, या आज आपका ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है, या आज इस बार आपने आपका बोनस बहुत अच्छा लगा, तो इसका मतलब आपने काम बहुत अच्छा किया, या जो अभी जो डे ट्रिप आ रहा है, जो जो विनर्स हैं जिन्होंने विन किया उनको कॉम्प्लीमेंट्स दें, उन्हें मुबारकबाद दें, या कंपनी जो अगर हमारे लिए कोई प्रमोशन लेकर आती है और अगर हमें अच्छी लगती है तो हमें मैनेजमेंट को जो भी लेकर प्रमोशन लाया है उसको हमें खुशामदीद कहना चाहिए और उसकी तारीफ करना चाहिए। ये वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि जो आपको देने चाहिए। अब ये ना हो कि अब जो एक लतीफा है कि एक साहब की शादी को 15-16 साल हो गए और उनका एक गिला था कि वाइफ मुझसे खुश नहीं होती। अच्छा जी, तो उन्होंने किसी ने मशवरा दिया, यार घर जाओ और घर जाके तुम ये करो कि जब दस्तरखान पे बैठो तो एक एक निवाले पे वाइफ की तारीफ करो, क्या क्या खूब बनाया, कितना अच्छा बनाया, आज तो ऐसा जबरदस्त आया था कि मजा ही आ गया। वो साहब कहते चलो ठीक है जी, जाके मैं इस पर अमल करता हूँ। अब मैंने क्या कहा था कि कुछ ऐसा भी ना करो कि गलत हो जाए। दस्तरखान में लिया, खाना खाना शुरू किया, पहला लकमा खाया, वाह बेगम वाह क्या खूब बनाया है। अब बेगम के बजाय खुश होने के तो टेबरी चढ़ गई, टेबरी चढ़ गई, अगला निवाला खाया, वाह गजब, आज तो मेरी तो थकन ही कर गई, इतना लजीज था। जब तीसरी बार चाय की वही प्लेट उठाई, सारी बार बेटी सारी जिंदगी तुझे खिलाती रही 15-16 साल से, आज पड़ोसन कैसे आया है? तो उसकी तारीफ कर रहे, 15-16 साल से मेरी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन के खाने की तारीफ कर रहे हो, तो लिहाजा वो गलत। तो लिहाजा शादी शुदा अफराद याद करें, ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि हमारे जो ये दिले शिकवे हैं, इन दिले शिकवों को हम खत्म करें और हमें सही हमें कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए, उनको कमेंट देने चाहिए। क्योंकि जब एक चीज होती है हमारी मर्जी की कोई चीज बन रही है, हम फिर जिप बंद कर लेते हैं, मुंह की चुप हो जाते हैं, हम कुछ नहीं करते। लेकिन अगर मर्जी के खिलाफ हो जाए तो शुरू हो जाते हैं अलिफ पे, सारा सब कुछ शुरू कर देते हैं कि भाई ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये कुछ नहीं होता। लिहाजा जब भी कोई काम हमारी मर्जी के मुताबिक, भाई खामोश नहीं रहे, कोई ना कोई अच्छा सा कोई कमेंट दे, तो उससे क्या होता है कि आगे
जो मेहनत करता है वो ख्वाब और मेहनत आपका सीनियर कर रहा या वो ख्वाब और मेहनत आपकी मैनेजमेंट कर रही हो या वो जो आप जिसको लेकर आए हो वो मेहनत कर रहे हो उसकी जरूर उसे कहते ना कि थक्की देना शाबाशी देना किसी जरूर किया करें इससे बहुत फर्क पड़ता है और बड़ी खुशी होती है कि मैं जब भी आता हूं तो इस वक्त मौसिस बिल्कुल और बुशरा और दूसरे जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं ये नजर आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये लोग किस तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं क्योंकि एक चीज आदम भाई अनवार भाई मैं चाहूंगा आप दोनों जरा इधर आते हैं आप दोनों इधर सुबह से क्लास शाम हो गई है सुबह से क्लास की है शाम हो गई है एंजेल पुशरा बेटा आप अंदर जाओ इधर आ एक चीज कही जाती है कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है फ्यूचर है कहा जाता है ना कि नई नस्ल पाकिस्तान की मेहमान है आइंदा मुस्तकबिल में तो ये समझे हम इस इदारे के माजी हैं माजी के पास बहुत तजुर्बा होता है उसने कुछ सीखा होता है और ये जो मुस्तकबिल है इनको ये चाहिए कि इस पास्ट से इस माजी से वो काम की चीजें जरूर अपनाएं और वो जरूर लें उनमें पॉजिटिव चीजों को चुने और जो माजी की नेगेटिव चीजें हैं उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाएं तो ये चीज बहुत शुक्रिया आप लोगों का तो मैंने एक छाप सी थी कि सही सिद्धिके से खाली प्रोडक्ट के ऊपर बात करता है ये सारा सब कुछ करता है तो बोलने वाला होना चाहिए तो ये कोशिश की थी कि अगर आप लोग शुरू के चार सी को अपनी लाइफ से हटाएं और आखिरी की सी को अपना लें तो आप यकीनन आप कामयाबी की तरफ हम बढ़ सकते हैं बगैर किसी परेशानी के और इस चार को छोड़ के एक और बात के हम फिर जिसको कहते हैं ना कि जी हर शख्स आदम भाई को पकड़ रहा होता है कि भाई आदम भाई आ जाए नहीं साहब को कह रहा होता है तो फिर वो वक्त आएगा कि आगे आपको भी सब कहेंगे क्या जी ऑरेंज लाइट अभी दो मिनट हमें दीजिए आगे कहेंगे कि हाँ जी मुश्ताक साहब थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये हमारे फ्यूचर आगे जाने के लिए हमारे लिए बहुत काम देंगी क्या हो गया Thank you.